मतलब कि यहां पर मैं फ्री में स्पिन कर सकता हूं, 10 स्पिन फ्री में, बिल्कुल फ्री में, एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। वैसे इसका रेट है 270 यूसी एंड जैसे मैं क्लिक करता हूं 0 यूसी में खुल रहा है ये। तो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है पारस सिंह एंड आप देख रहे हैं पारस ऑफिशियल लुक चैनल। तो आज की इस वीडियो में सबसे ज्यादा डिमांड जिस इवेंट की आ रही है वो है रिकॉल इवेंट। रिकॉल इवेंट के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं एंड इस इवेंट को इजी वे में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप मेरे पास देखोगे तो 133 टोकन है मेरे पास जो रिकॉल टोकन होते हैं एंड यहां पर काफी सारे कलेक्ट करने के भी बटन आ रहे हैं। तो आपको मैं 4 से 5 तरीके बताऊंगा इन टोकन को अर्न करने का एंड सबसे इजी तरीका भी बताऊंगा एंड थोड़ा मुश्किल तरीका भी बताऊंगा। तो सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे ज्यादा डिमांड इस वीडियो की थी, क्यों? क्योंकि मैं यहां पर चलता हूं सबसे पहले रिडीम सेक्शन में। तो यहां पर आपको 10 ड्रॉ वाला एक वाउचर मिल रहा है जिससे आप फ्री में क्रेट खोल सकते हो, फ्री वाली स्पिन कर सकते हो, लक्की स्पिन जिसे हम बोलते हैं, या फिर लक्की क्रेट जब भी कभी आएगी तो उनमें भी ये काउंट होगा एंड इसका नाम भी है लक्की स्पिन ड्रॉ। तो ये लक्की स्पिन में हर स्पिन में काउंट होगा या फिर किसी किसी में होगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। एंड सबसे अच्छी बात है कि अपग्रेडेबल सामान आपको इस कूपन से फ्री में मिल सकता है, आपकी किस्मत के ऊपर है। बाकी आपको मैं करके भी दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास कॉइन्स पड़े हैं, टोकन्स पड़े हैं काफी सारे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन टोकन्स को अर्न करने की एंड उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज है यहां पर आपको 10 की लिमिट मिलती है। यहां पर आपको पुराने दोस्त दिख जाएंगे, रेकमेंड में जाओगे तो जो आपके दोस्त नहीं है वो भी यहां पर शो हो जाएंगे रिफ्रेश करने पे एंड यहां पर माय फ्रेंड पे जाओगे तो आपको काफी सारे पुराने दोस्त आपके दिख जाएंगे। जो भी ऑनलाइन है उसको रिक्वेस्ट सेंड करो, उसके साथ सिर्फ 3 मैच खेलने आपको, चाहे मैच के अंदर जाते ही आप मर जाओ तब भी आपको 4 कॉइन मिल जाएंगे। एक मैच खेलने पे 4 कॉइन मिलते हैं, 3 मैच इस वजह से खेलने बोल रहा हूं क्योंकि 10 कॉइन की लिमिट है यहां पर लिखा हुआ है। टीम डेली लिमिट ऊपर की साइड आप देखोगे, टीम लिमिट में 150 है एंड टीम डेली लिमिट में 10 है। तो दोस्तों क्या आप बीजेएमआई खेल के 50,000 रुपए से ज्यादा जीतना चाहते हो? तो ये ऐप है सो स्ट्रॉन्ग 100% ट्रस्टेड है एंड इसके 35 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं एंड 8 करोड़ की विनिंग भी बांट चुकी है। इस ऐप की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें आपको काफी सारे टाइप्स के टूर्नामेंट मिल जाते हैं, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट जिसमें आपको 0 वेटिंग टाइम मिलता है। इस ऐप में आपको कस्टम रूम की जरूरत नहीं है, नॉर्मली जैसे आप क्लासिक रैंक खेलते हो वैसे आपको रोज खेलना है। सो स्ट्रॉन्ग आपके किल्स डिटेक्ट कर लेगा एंड आपको उसके पैसे दे देगा। तो यहाँ से बीजीएमआई खेल के पैसे जीतना तो गारंटीड है और तो और सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीट इंडस्ट्री में बेस्ट है। सो स्ट्रॉन्ग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में दे रखा है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करते हो तो आपको 600 रूपए का साइन अप बोनस मिलेगा इमीडिएटली जिससे आप फ्री के टूर्नामेंट खेल सकते हो। तो अभी साइन अप करो, आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। और मजे की बात तो ये है, जो भी पैसे आप जीतते हो उसे आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे एंड किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो। पोगेम्बो, खुश हुआ। तो देर किस बात की है, फटाफट से डाउनलोड करो एंड डेली कमाओ 50,000 रूपए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे रखा है। तो 10 कॉइन आप वो वाले अर्न कर सकते हो जो आप डेली खेल के अर्न कर सकते हो एंड वही 150 की लिमिट है। एंड जो टोकन आप अर्न करोगे दूसरे तरीके से इनवाइट करके अपने दोस्तों को, वो इसमें काउंट नहीं होंगे। तो 250 से 300 कॉइन आप आराम से अर्न कर सकते हो जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उससे। अब जो सबसे पहला तरीका है कॉइन्स अर्न करने का, टोकन्स अर्न करने का, वो है आप अपने पुराने दोस्तों के साथ खेलो जिसके ऊपर ओल्ड फ्रेंड लिखा है। ओल्ड फ्रेंड उनके ऊपर लिखा होगा जो थोड़े दिन बाद ऑफलाइन होने के बाद ऑनलाइन आए हैं, 1 हफ्ते से 10 दिन से जो ऑफलाइन थे उनके ऊपर ओल्ड फ्रेंड लिखा होगा, ठीक है? जो तो 1 महीने बाद ऑनलाइन आए हैं उनसे आपको काफी फायदा होगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनसे आपको 2-3 तरीके से आपको टोकन्स मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा। अब जैसा कि मैंने आपको पहला तरीका बताया कि आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो जो ओल्ड फ्रेंड में शो होते हैं, उनके साथ सिर्फ 3 मैच खेलने हैं, आपको 10 कॉइन तो डेली के मिलेंगे, ठीक है? 15 दिन में 150 कॉइन हो गए, वाउचर आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है? तो अब और कॉइन्स कैसे अर्न करें, क्योंकि रिडीम सेक्शन में जाओगे तो मटेरियल भी है, मिथिक फ्रेगमेंट भी है, प्रीमियम क्रेड भी है, एजी करेंसी भी है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो कि हमें चाहिए, है ना? तो अब ज्यादा से ज्यादा कॉइन कैसे अर्न करें, टोकन कैसे अर्न करें? पहला तरीका हो गया आप ओल्ड फ्रेंड के साथ 3 मैच डेली खेलोगे तो आपको 10 कॉइन मिल जाएंगे। दूसरा तरीका है, यहां पर आपको जाना है, यहां पर शेयर करना है अपने कोड को। शेयर कैसे कर सकते हो, नीचे आप देखोगे इनवाइट कोड आ रहा है, वो कोड आपका है। आपको क्या करना है, आपको अपने दोस्तों को इनवाइट करना है। कौन से दोस्तों को, जो कि इनवाइट में शो हो रहे हैं। तो यहां पर जैसे कि मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो मुझे यहां पर शो हो रहे हैं, काफी सारे सब्सक्राइबर भी शो हो रहे हैं, ठीक है? तो इन बंदों को अगर मैं इनवाइट करता हूं
तो इनवाइट करना कैसे है वो भी आपको मैं बताऊंगा। दूसरा तरीका ये हो गया। अब इनवाइट करने का फायदा क्या है, इनवाइट करने पे आपको 30 से 40 50 60 पॉइंट तक मिलते हैं। देखो साइड में लिखा आ रहा है मिशंस, जिनको आप इनवाइट करोगे अगर वो मिशन कंप्लीट करते, जैसे उन्होंने एक मैच खेला आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद वो टॉप 10 में आए तो आपको 6 पॉइंट मिलेंगे। अगर उन्होंने किसी को पॉपुलैरिटी सेंड की तो 4 पॉइंट मिलेंगे। अगर उनकी सिनर्जी 10 से ज्यादा बढ़ती है तो आपको फिर से 6 पॉइंट मिलेंगे। तो काफी सारे मिशन यहां पर शो हो रहे हैं, जितने भी दोस्तों को आप इनवाइट करोगे सबसे ये कॉइंस आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड पहला बंदा जैसे ही आप इनवाइट करोगे तो ऊपर पहले बंदे को इनवाइट करते ही 10 टोकन आपको यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया। इनवाइट करना कैसे है, कोड डालना कहां पर है, आपको अपना कोड डालना है, मेरा मत डाल देना, आप अपना कोड अपनी आईडी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब तीसरा तरीका बताता हूं। तो जो भी पुराना बंदा आपकी फ्रेंड लिस्ट में है, जब वो ऑनलाइन आएगा कुछ दिनों बाद, तो वो गिफ्ट सेंड करता है। जैसे हम गिफ्ट सेंड करते हैं ना, जैसे मैं टीरियन को गिफ्ट सेंड करता हूं, मैंने एजी करेंसी उसे सेंड कर दी, ऊपर लिखा गया गिफ्ट सेंड हुआ, ठीक है। वैसे ही जब आपका कोई फ्रेंड जो आपके साथ ज्यादा खेलता था वो काफी दिनों बाद ऑनलाइन आएगा ना, तो वो जब आपको गिफ्ट सेंड करेगा आपको एजी करेंसी नहीं मिलेगी, बीपी नहीं मिलेगी, आपको टोकन मिलेंगे, रिकॉल टोकन। एंड ये मुझे काफी बार मिलते भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मुझे एजी करेंसी भी मिली हुई है, फूल भी मिला हुआ है, एंड यहां पर फिर से एजी करेंसी मिली हुई है, फिर से फूल मिला हुआ है। थोड़ा सा नीचे चलता हूं तो ये कभी कभी टोकन मिलते हैं, डेली नहीं मिलते। यहां पर अभी मुझे मिला नहीं हुआ, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। मुझे कल मिले थे 25 टोकन मिले थे, 2 या 3 बंदे आए थे न्यू, जो कि काफी दिनों बाद आए थे ऑनलाइन, एंड मेरे सब्सक्राइबर थे वो, एंड उनसे मुझे टोकन मिले थे। अगर हो सकेगा तो मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। रुको मैं एक आधी आईडी अपनी खोल लेता हूं, उस आईडी में क्या पता शो हो जाए। वो तीसरा तरीका है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा तरीका है वो आपको मैं बता देता हूं। जो चौथा तरीका है उसके लिए आपको अपनी खुद की आइडिया बनानी पड़ेगी, जो कि मैंने कर रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आपको दिख रहा है ना इनवाइट में बंदे जिनको मैंने रिटर्न बुलाया, देखो NF पारस करके मेरी आईडी है, क्या और कैसे करके मेरी खुद की आईडी है, मैं खोल के दिखाऊंगा। ये चौथा तरीका है। अब इसमें आपको करना क्या होगा, आपको अपनी कोई फेक आईडी बनानी है। आप क्या करना, आप मेल आईडी बना लेना। मेल आईडी बनाने से क्या होगा, मेल आईडी पे आप अपनी बीजेएमआई आईडी बना सकते हो। तो आप 10 मेल आईडी बना लो फेक, ठीक है। 10 मेल आईडी बनाने के फायदे बताता हूं आपको मैं। तो सबसे पहले मैं डिवाइस साइड पे रख देता हूं, मैं फायदे बताता हूं। पहला फायदा, जब प्ले स्टोर पे कोई भी ऑफर आती है, कोई भी, ठीक है, वो ऑफर आप क्लेम कर पाओगे। 10 में से किसी आईडी पे तो आएगी, 10 रुपए वाली ऑफर आ जाती है, कभी कभी 10 रुपए में 60 यूसी मिलती है, कभी कभी 5 रुपए में 60 यूसी मिलती है, कभी कभी 19 रुपए वाली अभी रिसेंट में ऑफर आई थी, 19 रुपए में हमें 300 यूसी मिल रही थी, किसी किसी को 600 यूसी मिल रही थी। तो वो ऑफर 10 में से किसी आईडी में तो आएगी। दूसरी बात, आप ये वाला जो रिकॉल इवेंट है, 10 की 10 आईडी को आप खेलोगे तो होनी है ना, वो आपकी फेक आईडी है, तो उसको 30 दिनों के लिए बंद रख दो। 30 दिनों के लिए आपने बंद कर दिया, 30 दिन बाद जब आप उस आईडी को खोलोगे तो 10 में से आपने 5 आईडी को भी रिटर्न बुला लिया ना कोड देके, तो भाई 5 आईडी से अगर आपको 50-50 कॉइन भी, 50 ज्यादा बोल दिया चलो मैंने, 25-25 कॉइन भी मिलते हैं, 125 कॉइन तो सीधा हो गए आपके, 125 कॉइन ये, एंड उसके बाद जो डेली आप खेलोगे 150 कॉइन वो, तो आप मान के चलो 300 से 400 कॉइन तो आप आराम से खुद ही अर्न कर सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं कि मैंने कैसे इनवाइट किया और कैसे आप इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं सबसे पहले स्पिन करूंगा, उसके बाद बताऊंगा, स्पिन करके भी दिखा देता हूं फ्री में आपको मैं, ऐसा आपको लगे ना कि भाई वाउचर तो हमने ले लिया, पता लगे फ्री में स्पिन ही ना हो, यूसी देनी पड़े, तो यूसी देनी पड़ती है या नहीं देनी पड़ती वो भी दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पर मैं कलेक्ट कर लेता हूं, यहां पर मैंने कलेक्ट किया 4 कॉइन मिले, 4 के बाद फिर से मैंने कलेक्ट किया 4 पॉइंट मिले, 8 के बाद फिर से मैंने कलेक्ट किया 6 पॉइंट मिले, 14 के बाद फिर से मैंने कलेक्ट किया 8 पॉइंट मिले, ठीक है ना, 14 और 8 22 के बाद फिर से मैंने कलेक्ट किया 12 कॉइन मिले, 22 और 12 हुए 34 कॉइन टोटल मुझे मिल गए। अभी मैंने सारे के सारे मिशन कंप्लीट नहीं किए हैं दूसरी आईडीज में जिन्हें मैंने इनवाइट किया था। ये इनवाइट करने के पॉइंट मिले मुझे। इनवाइट कैसे करना है, अपनी सेकंड आईडी बनाओ, उसे ऑफलाइन रख दो थोड़े दिन के लिए। ऑफलाइन रखने के बाद एक महीने बाद उस आईडी को ऑन करो, उसमें कोड डालने का बटन आएगा। कोड डालने का बटन कहां पर आता है, कैसे आता है, वो भी आपको मैं दिखाता हूं। एंड यहां पर आपको इनवाइट करने के भी अलग से रिवॉर्ड मिलते हैं, जैसे कि मुझे 10 पॉइंट मिले, एंड दूसरे बंदे को इनवाइट करने पे मुझे क्रेट मिली, तीसरे बंदे को इनवाइट करूंगा पेंट मिलेगा, चौथे बंदे को इनवाइट करूंगा एक क्लासिक की क्रेट मिलेगी, छठे बंदे को इनवाइट करूंगा तो एक प्रीमियम की क्रेट, आठवें बंदे को इनवाइट करूंगा तो यहां पर मुझे क्रेट मिलेगी, इस क्रेट के अंदर पता नहीं क्या है, शायद आउटफिट वगैरह या फिर कोई अच्छा सा रिवॉर्ड होगा। तो ये था इवेंट, ठीक है, जिसे हम क्लेम कर सकते हैं। बाकी 150 पॉइंट तो आपके पक्के हैं।
आपको अपने सिर्फ पुराने दोस्तों के साथ खेलना है। 150 पॉइंट तो भाई आराम से कर लोगे आप, उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब मेरे पास 177 पॉइंट हो चुके हैं, तो यहां पर सबसे पहले तो मैं वाउचर लूंगा जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। वाउचर लिया मैंने, इसे यूज करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद यहां पर मैं लूंगा क्रेड, क्योंकि क्रेड भी जरूरी है। तो 40 चाहिए मेरे को पॉइंट, अभी 27 है मेरे पास, तो शायद कल तक मैं 40 कर भी लूंगा, है ना। तो अभी के लिए इसे छोड़ देता हूं, मैं एक साथ ही खरीदूंगा। तो वाउचर यूज कैसे करना है, वाउचर का फायदा क्या है वो आपको मैं दिखाता हूं। अब सबसे पहले आपको करना है कि आपको जाना है इन्वेंटरी पे, एंड यहां पर जाना है सेल पे। सेल पे जाने के बाद आपके सारे वाउचर दिख जाएंगे, इसी में आपको 10 ड्रॉ वाला वाउचर भी दिख जाएगा, ठीक है, जो कि हम फ्री में यूज कर सकते हैं। अब इस वाले वाउचर की जो टाइम लिमिट है वो है 30 दिन की। अगर तो ये टाइम लिमिटेड नहीं होता, इसे हम बचा के रख सकते, तो बंदे क्या करते 10-15 वाउचर इकट्ठे करते, उसके बाद स्पिन करते, भाई पक्का कुछ ना कुछ उनको अपग्रेडेबल मिलता या फिर मिथिक मिलता। बट इसकी टाइम लिमिट दे रखी है, तो किस्मत, अपनी किस्मत आजमा लेना। पेड वाली चीज आप फ्री में खोल रहे हो तो कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। अब यहां पर जैसे आप यूज के बटन पे क्लिक करोगे लक्की स्पिन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अगर नहीं पहुंचते हो तो जैसे यहां पर लक्की स्पिन आपको दिख जाएगी, जो कि एक है होला बड़ी, एक है यहां पर लक्की स्पिन। अब जो होला बड़ी है उसका नाम ही होला बड़ी है, तो उसमें तो ये यूज होगा नहीं। मैं क्लिक करके भी दिखा देता हूं, यहां पर वो वाला वाउचर नहीं लग रहा है। अब लक्की स्पिन पे जाता हूं मैं, तो लक्की स्पिन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर 0 यूसी लिखा आ रहा है, मतलब कि यहां पर मैं फ्री में स्पिन कर सकता हूं 10 स्पिन फ्री में, बिल्कुल फ्री में, एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। वैसे इसका रेट है 270 यूसी, एंड जैसे मैं क्लिक करता हूं 0 यूसी में खुल रहा है ये, तो ये सबसे अच्छी बात लगी मेरे को। एंड यहां पर ये नहीं कि बेकार चीजें आपको मिल रही है, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको रिडीम सेक्शन में काफी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं, जो कि आप यहां से रिडीम कर सकते हो। बट 10 स्पिन में क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। बस एक चीज है जो आपको बहुत अच्छी यहां पर मिल सकती है, वो है अपग्रेडेबल डासिया। तो ये किस्मत के ऊपर है, अगर 1000 बंदे भी इस वाली फ्री की स्पिन को करेंगे, 10 बार स्पिन करने का मौका मिल रहा है, तो 10 स्पिन जब वो करेंगे तो 1000 में से 10 बंदों को तो मिलेगा ना ढंग का सामान। बहुत बंदों को मिला भी है, 10-10 यूसी में भी मिलता है। तो अब देखते हैं अपना लक कैसा रहता है। मैं फ्री की 10 स्पिन करूंगा, जो मुझे वाउचर मिला उसी से 0 यूसी लग रही है। अब एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी ये वाली स्पिन है, ठीक है, लकी स्पिन अभी ये वाली है, बट आने वाले टाइम में आपको मिथिक लकी स्पिन भी देखने को मिलेगी, जिसमें मिथिक आउटफिट होती है, अपग्रेडेबल गन होती है। आपको बताया लकी स्पिन में आता रहता है ये सामान। तो अभी के टाइम पे गाड़ी वाली लकी स्पिन है, आने वाले टाइम में अपग्रेडेबल गन्स भी आपको फ्री में मिलेंगी, अपग्रेडेबल गाड़ियां भी फ्री में मिलेंगी। बट फ्री में उनको मिलेंगी जिनकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि 10 स्पिन हम फ्री में कर सकते हैं। मान लो आपने 10 स्पिन की, उसके बाद आपने एक और वाउचर रिडीम कर लिया, 10 स्पिन और कर ली, तो 20 स्पिन के अंदर आपको मौका मिलेगा कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल सकता है। बाकी कितनों को अच्छा मिलता है वो किस्मत के ऊपर है ना। तो यहां पर मैं करता हूं 270 पे क्लिक, मेरी एक भी यूसी नहीं लगेगी। मैं ओके पे क्लिक करता हूं, एंड देखते हैं हमें फ्री में क्या मिलता है। ठीक है, मुझे लगता नहीं इतना कुछ अच्छा मिलेगा। भाई देखो लेजेंडरी मिल गया, अब यहां पर लेजेंडरी मिला, अब मुझे लेजेंडरी में गाड़ी भी मिल सकती थी, बट मेरी किस्मत है ना, मुझे इल्लो फिर से लेजेंडरी, भाई फ्री में दो लेजेंडरी, भाई साहब देख रहे हो भाई क्या लक गया मेरा देखो। एंड यहां पर एक डिसमेंटल हो जाएगा, 16 कॉइन मिल गए मुझे। अगर ये दो लेजेंडरी जो मिले मुझे, इसकी जगह कुछ ढंग का मिल जाता लेजेंडरी में, जैसे गाड़ी भी लेजेंडरी में ही थी ना, डासिया मिल सकती थी मुझे, बट नहीं मिली, किस्मत। तो इस तरीके से आप फ्री में स्पिन कर सकते हो, आपकी किस्मत के ऊपर है, आपको लेजेंडरी भी मिल सकता है। इसमें तो मिथिक है नहीं, बट मिथिक वाली स्पिन आएगी लक्की स्पिन, तो उसमें मिथिक भी मिल सकता है, अपग्रेडेबल वाली भी आएगी तो अपग्रेडेबल भी मिल सकता है। तो काफी सही चीज लगी मुझे ये, एंड रिकॉल इवेंट के ऊपर काफी सारे बंदे वीडियो चाहते थे तो मैंने वीडियो बना दी। अब चलता हूं मैं मोबाइल स्क्रीन पे, एंड मोबाइल स्क्रीन पे भी आपको दिखा देता हूं जाके कि जो मैं इनवाइट करने वाली चीज बता रहा हूं ना, फेक आईडी बना के इनवाइट कैसे करना है, अपनी ही खुद की फेक आईडी बना के इनवाइट कैसे करना है ऑफलाइन रख के आईडी को, वो आपको मैं बताता हूं। चलता हूं मोबाइल स्क्रीन पे। तो जैसे आप अपनी किसी फेक आईडी को ऑन करोगे, लॉगिन करोगे, तो आपको जाना है इवेंट पे। इवेंट पे यहाँ पर आपको जो हाथ मिलाने वाला बटन दिखता है, वहां पर जाने के बाद आपको एक न्यू ऑप्शन दिखेगा जिसपे लिखा होगा रिटर्निंग रिवॉर्ड। वहां पर जाके आपको कोड पेस्ट करना है अपनी ओरिजिनल आईडी वाला, जो कोड है वो आपको शेयर करने पे मिल जाएगा। एंड कोड पेस्ट करने के बाद आपको सिर्फ सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद कलेक्ट करना है, आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, एंड उन रिवॉर्ड्स के मिलने के बाद उसी आईडी के साथ आपको 2-3 मैच खेलने हैं, एंड आपको 20 से 25, 30, 35 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा कॉइन अर्न कर सकते हो। एक आईडी से अगर आप 25-30 पॉइंट भी अर्न करते हो, अगर आपने 10 फेक आईडीज भी बना ली, तो आप बहुत ज्यादा पॉइंट्स अर्न कर लोगे। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इसके अलावा आप अपने पुराने दोस्तों के साथ खेल के भी पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, टोकन अर्न कर सकते हो। तो यही था आज की वीडियो में, जितने आसान तरीके से मैं समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपको कुछ भी समझ में आया या फायदा मिला इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।